अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो गर्मियाँ हैं वो बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। अच्छा जी, बात करते हैं फैसलाबाद ब्लॉग की। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने जितना हो सका, जहाँ भी गए, जितना इंजॉय किया, सारे मोमेंट जो है वो कैच करने की कोशिश की कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर जो आपको बताती चलूँ कि जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे थे, इतनी गर्मी थी, इतनी हब्स वाली गर्मी थी, सांस लेना मुश्किल था। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं यार, डाइवो, हाँ जी, उस पर गए थे। तो एसी वगैरह ऑन था, पता नहीं चला गर्मी का, लेकिन जब बाहर निकले और बहुत ही गर्मी थी। वो रात मुश्किल गुजरी, लेकिन जब वो रात गुजरी और सुबह 4-5 बजे सही टाइम, इतना को अच्छा वेदर हो गया जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। हसीन बारिश थी, उफ़ क्या बताऊँ, हमने खूब बारिश एंजॉय की। बादल आ गए, पहले मैंने आप अपने इससे पहले जो सीन देखा है वो बादल आ गए थे। हम लोग फ़ौरन से छत पे चले गए, नींद तो आई नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और क्या कहते हैं कि लोड शेडिंग भी थी, इतनी नहीं थी लेकिन थी। फिर क्या किया, हम लोग छत पर चले गए, बारिश इंजॉय की खूब, फिर नीचे आए, मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत हसीन बारिश थी, बारिश होती ही हसीन है, हसीन से मतलब कि बादल भी थे, हवा भी थी, ठंडी वाली बारिश थी। और फिर हमने क्या सोचा कि हम लोग जो है क्यों ना बाहर चलें, मौसम बहुत ही हसीन हुआ है। हम लोगों ने ऊबर मंगवाई और हम लोग चले गए, कहाँ पर चल पड़े, लालपुर गैलेरिया पर, जो कि फैसलाबाद का बहुत ही ज़बरदस्त और हसीन शॉपिंग मॉल है। जब भी आप लोग फैसलाबाद जाएँ, यहाँ पर विज़िट लाजमी कीजिएगा। और मुझे बहुत मतलब कि वहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं, और अगर आप लोग सेल्फ़ी क्वीन हैं या सेल्फ़ी किंग हैं तो वहाँ पर लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पर जनाब ये क्या हो गया भाई, अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जो है सफ़र पर निकल चुके हैं और सबसे पहले हम जाएंगे लालपुर गैलेरिया पर, उसके बाद हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। साथ ही बिल्कुल लालपुर गैलेरिया के बिल्कुल ही साथ, उन्होंने अभी पहले नहीं था लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वैसे तो लालपुर गैलेरिया के अंदर भी आप लोग काफ़ी कुछ, आप लोग मतलब आप लोगों को खाने के लिए बिरयानी होगी, पिज़्ज़ाज़ वगैरह बहुत ही अच्छे और टेस्टी वाले, बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लोग घर में बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे, इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं सारी माओं को कह दूँ और सारे बच्चों को ये चीज़ नसीहत कर दूँ कि ये जितनी महंगी होती है ना यार, ये खाई नहीं जाती, ये प्लास्टिक भी आप लोग चबा सकते हो, ये आप लोग चबा ही नहीं सकते, इतनी को घटिया 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 जेलीज हैं ये। तो मैं आप लोगों को इतने कहना चाहूँगी कि इसको बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बुरी जेलीज हैं। आप जो है अपने बच्चों को समझा बुझा लें, जो मैं नहीं समझा सकी, तो महंगी तरीन है, आप थोड़ी सी भी लेंगे तो आपका जो बिल है वो 500 से कम नहीं बनेगा। लेकिन मैंने बहुत ही थोड़ी सी ली थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो है, मुझे लगा कि इतनी महंगी नहीं होंगी, तो मेरा 500 से ऊपर बिल बन गया था। अब क्या बात है कि बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा था, लेनी लेनी चाहे बुरी है, फेंकी थी इसने रास्ते में, आधी से ज़्यादा फेंकी थी, ये भी अच्छी नहीं है, वो गई, ये भी अच्छी नहीं है, वो बाहर गई। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम चलेंगे जे डॉट पर, जो है सेल लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग एथनिक पर भी सेल लगी हुई थी, कुछ न्यू अराइवल्स थे, बहुत ही मुझे पसंद थे, वो भी हम लोगों ने देखने थे कि देखने में कैसे हैं, ऑनलाइन तो बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, अब हम लोग जो है जा रहे हैं जे डॉट जो है जेंट्स कलेक्शन, तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन वो मुझे लेना नहीं थी, लेकिन जो थी ना टीनेजर्स की वो भी अच्छी थी, लेकिन ख़वातीन के लिए जो चीज़ें लगी हुई थी ना वो बिल्कुल मतलब कि फजूल थी, फारिग किस्म की थी। यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे, फिरेंगे, हैश करेंगे और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। अभी मैं जे डॉट अभी जा रही हूँ, मतलब कि अभी हम लोग देखें ना, हमारे सीधा रास्ते के सीधा जो है वो जे डॉट ही है। और जो है ना, देखें बोर्ड पर भी लिखा हुआ कि समर सेल चल रही है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मतलब कि अच्छी चीज़ें जेंट्स में थी। मुझे उनके वो जो क्या कहते हैं यार उसको, दुपट्टे लड़कों वाले बड़े अच्छे थे, पर मुझे अभी लेना नहीं थे। मुझे मैं जो मतलब कि लेने आई थी ना, वो मैंने एथनिक से लेनी थी, जीन्स लेनी थी वहाँ से, ब्लैक जीन्स थी, बैगी स्टाइल में, बहुत अच्छी थी, वो लेनी थी। सेल में आप लोगों को वो मिल जाएगी आई थिंक 1200-1300 रुपये में, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस थी 2600 समथिंग।
और यहाँ पर जनाब आप देख रहे हैं कलेक्शन सारी बहुत अच्छे कुर्ते थे और सेल में मिल रहे थे और अच्छे खासे रीज़नेबल मिल रहे थे। लेकिन जो लड़कियों के थे ना हमारे कुर्ते जो थे मुझे वो पसंद नहीं आए, या फिर मैंने जल्दी जल्दी में देखे या फिर क्या रीज़न थी मुझे वो। अच्छा जो चीज़ पसंद आ रही होती है ना एक नज़र में दूर से ही पता चल जाता है कि ये चीज़ आउट क्लास है। ये दुपट्टे चेक कर सकते हैं आप, इतने हसीन इतने हसीन। मैं कहती हूँ जब हमने लेने होते हैं ना तब मिलते नहीं हैं, एक तो वहाँ तब सेल भी नहीं लगी होती, तब हमें ओरिजिनल प्राइस पे लेने पड़ते हैं, और जब नहीं लेने होते तो आगे आगे आ रही होती हैं चीज़ें, भाई ये भी बहुत अच्छी है और रीज़नेबल है। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ आप जो है ना अच्छी हो और कम प्राइस में हो। अच्छा जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, मतलब एक नज़र देख कर बस भाई लेनी है, फिर मैं उसकी प्राइस नहीं देखती, अपनी पॉकेट मनी हो जाए सेविंग हो जाए लगा चुका कर मैं ले लेती हूँ कि बस अब लेनी है। और मेकअप आ गया जनाब यहाँ पर, मेकअप मेरी कमज़ोरी है और मैं कहती हूँ ये बहुत बुरी, बस मैं ना कंट्रोल नहीं कर सकती अपने ऊपर, अपने हाथ पर मुझे गुजरते हुए मेकअप नज़र आ जाए सही बस। तो यहाँ पर बता दीजिए कि 20% ऑफ भी चल रहा था और रिवाज पर वो देखे सामने लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें ली और क्या कहते हैं जनाब, हाँ जी मेबलिन पर भी सेल थी, रिवाज पर सेल थी, और क्या ये मुसर्रत मिसबा की जो कलेक्शन है उस पर भी सेल थी। जी बच्चा जो है वो कह रहा कि निकलो यहाँ से भाई निकलो निकलो। अच्छा जहाँ इसकी मनपसंद की चीज़ स्टॉल होगा वहाँ खड़े रहें, घंटों खड़े रहें, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ मेकअप आ जाए या कभी कपड़े लेने हो किसी अपनी जगह पर खड़े हो जाए ना हम लोग, तो बस मम्मा मैं थक गया हूँ और बस मुझे भूख लग गई है। अच्छा एथनिक हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, कमाल स्टिचिंग थी इसकी, बड़ा ही डिसेंट था, और फिर मैंने इसको नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि एक तो ये फुल प्राइस में था, सेकंड ये था कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था शर्ट जो है ना। मैं कहती हूँ जब अगर आप लोग एथनिक वियर कर रहे हैं ना तो थोड़ी सी शर्ट इतनी शॉर्ट नहीं अच्छी लगती, जैसे मेरी लास्ट टाइम मैंने एथनिक की वो है तो मतलब टॉप था जीन्स के ऊपर वेयर करने वाला, लेकिन मैंने उसके नीचे शलवार वेयर की थी तो वो काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। यहाँ पर हम आगे फेवरेट स्टॉल पर, तो हमने यहाँ से खूब आइसक्रीम खाई, खूब खाई खूब खाई खूब से, मतलब कि इतनी मतलब स्कूप बड़े बड़े स्कूप थे और रज के हम लोगों ने खाई थी, मैंने भी ले ली बेटे ने भी ले ली और कज़न्स ने भी ले ली बहन ने भी ले ली, तो भी खाई नहीं जा रही थी, इसने भी बेटे ने छोड़ दी थी इवन लास्ट में ना उसे छोड़ दी थी, खाई नहीं बहुत मतलब कि ज़्यादा थी और इतनी ना मज़े की भी नहीं थी। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम खाई थी इस्लामाबाद से सनटोरिस, सनटोरिस क्या कहते हैं यही कहते हैं ना, वहाँ से खाई थी, तो वो आइसक्रीम का टेस्ट जो है ना मुझे अभी तक याद है, वो फ्लेवर वो उफ मैं बता नहीं सकती, मुझे लगा ऐसे मेरा दिमाग घुमा, मुझे लगा कि मैंने शायद लास्ट टाइम यहीं से खाई थी, तो हम लोगों ने पागलों की तरह सब नहीं ले ली, ठीक थी लेकिन नॉर्मल थी, जो हमने इस्लामाबाद खाई थी उसकी मतलब के उस जैसी नहीं थी। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर साथ जो है वो मेरी कमज़ोरी है भाई, कौन हम लोगों ने वो ली स्पाइसी करवा के साथ में, ये कॉम्बिनेशन अजीब ही था आइसक्रीम के साथ हम लोग कौन खा रहे हैं। तो फिर हमें एक्चुअली हम लोग ये वेट कर रहे थे अपने भाइयों का कि आ जाएं भाई आ जाएं, वो लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लेते हैं यार, हम लोग तैयार होके निकल भी गई, खा पी लिया, शॉपिंग भी हमने आधी कर ली, और वो जनाब अभी तक नहीं आए थे क्योंकि हम लोगों ने उन्हें उनको छोड़ दिया था कि हम तो जा रहे हैं उबर करवा के, आप लोग आ जाइएगा गाड़ी में, तो क्या हुआ कि अभी तक वो नहीं पहुँचे। फिर हम लोग ये सामने सिटिंग एरिया था, कैफेटेरिया बना हुआ था, आप लोग खा पी सकते हैं वहाँ बैठ के, फिर हम लोगों ने क्या किया उनका वेट भी किया, और बेटे को भूख लगी उसको फ्राइज़ लगवा दी आइसक्रीम के बाद, आइसक्रीम उसने खाई नहीं मतलब थोड़ी सी खाई थी, सारी नहीं खाई, फिर फेंकनी पड़ी, देखें तीनों ने ली हुई है। और जनाब फिर हम लोग ऊपर जाएंगे टॉप फ्लोर पर, वहाँ पर कैफेटेरिया है, वहाँ बैठेंगे और उनका वेट करेंगे। Thank you.
अच्छा जी, मॉल का चप्पा चप्पा हम लोग फिर चुके हैं और वेट कर करके थक चुके हैं। अब हम आ गए हैं बेसमेंट में, ग्रॉसरी है यहाँ पर। और यहाँ का एक आपको बात बताती चलूँ यहाँ की, कि यहाँ अभी जो आपको अचार नज़र आएगा ना यार, हाईली रिकमेंडेड, मैं कहती हूँ कमाल, हेवनली टेस्टेड, बहुत ही आला किस्म का अचार है इनका। और मैं जब आती हूँ ज़रूर लेकर जाती हूँ यहाँ से। और यहाँ की जो जितनी भी बेकरी है, पिज़्ज़ाज हैं और सैंडविच हो गए, यहाँ की पालक पनीर, पालक गोश्त है यहाँ पर, मतलब जितना भी यहाँ पर माश दाल यहाँ की इतनी टेस्टी है, इतनी लजीज है। और इनका जो जितना भी खाना है फ्रेश फ्रेश बनता है, डेली का ही इनका ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 8 बजे तक मार्केट का टाइम है लॉकडाउन की वजह से, और यहाँ पर 8 बजे से पहले ही घंटा दो ये हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ये होता है कि लोग जो है स्पेशली यहाँ से मंगवा कर, मतलब जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं फूड पांडा पर कि ये चीज़ आज खानी है, बाहर का कुछ खाना है, तो लोग यहाँ से लेकर खाते हैं। अच्छा जी, टॉवल जो है ले रहे हैं कायनात, मेरी जो कज़न है वो ले रही है, चाचू की बेटी है। जैसे कि आप लोग पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं, तो मैंने आज बता ही दिया आप लोगों के कायनात कौन है। कायनात मेरी चाचू की बेटी है, जिनकी तरफ हम लोग गए थे और यहाँ पर बिल करा लिया। और उसके बाद जनाब कॉल पे कॉल हम लगाना शुरू कर दी कि भाई अब तो आ जाओ। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक पहले नहीं था, लेकिन पहले से मतलब कि आज से 2 साल पहले जब हम लोग आए थे, तो यहाँ पर जो है हमें जाना पड़ता था कोहिनूर। जो फैसाबाद आए हुए हैं या जो फैसाबाद रहते हैं उन्हें पता होगा कि कोहिनूर तो पूरा गढ़ है भाई, फूड स्ट्रीट कह लें, जिस तरह हमारी गुजरांवाला की बख्ती वाली है फूड स्ट्रीट, तो वो बिल्कुल ऐसा ही एरिया है कि जहाँ पर आप लोगों को मतलब के हाई फाई किस्म के जो है ना, वो आपको होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अभी आप लोग जब लाइलपुर गैलरिया से निकलते हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है ना आपको मिल जाता है फक एंड नाइफ, तो वहाँ हम लोग चले गए। वहाँ हम लोगों ने वहाँ जाकर भी यार आधा घंटा वेट किया, फिर जाकर वो आए, फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया और हम लोगों ने खाना खाया। भूख बहुत तेज़ लग चुकी थी, हम लोगों ने आते ही मतलब पेट पूजा हल्की फुल्की कर ली थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मॉल है यार, आप लोग यहाँ पर घूमेंगे तो आप लोगों को 3-3 दफ़ा भूख लग जाएगी। तो फिर हम लोग अभी सीधा वहीं पर जा रहे हैं। और वैसे भी ये बिल्कुल क्लोजिंग टाइम था, 8 बज चुके थे, बल्कि जो अंदर थे ना उनको बस उन्होंने फारिग करना था, निकालना था बाहर। देखिए लाइट्स ऑफ हो गई हुई है, मिनी मिनीसो था यहाँ पर, मैंने अभी सोचा था कि हम लोग वापसी पर मिनीसो से होकर जाएंगे, लेकिन बंद हो गया था क्योंकि 8 से ऊपर टाइम हो चुका है। और यहाँ पर जो है टाइमिंग यही है, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक की। और गर्मी इतनी होती है ना कि घर से कोई निकलता ही नहीं है।